दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड कैसे करते हैं, लेकिन उस वीडियो में भी मैंने आपको तरीका बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड करने का, और इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे होल्ड कर सकते हैं, कि इस वीडियो में मुझे समझ में नहीं आया है, और भी कई सारे कमेंट्स वहां पे भाई लोगों के आए हुए थे, कुछ अच्छे कमेंट्स, कुछ गलत कमेंट्स, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को आप होल्ड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे, अगर आपको आज लॉस हो रहा है तो आप कल को उसमें प्रॉफिट भी बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आज 24 तारीख है, आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और उसमें आपको यहाँ पे आज लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपको आज लॉस हो गया तो उसको आप आज होल्ड कर सकते हैं। आज अगर उसको होल्ड करेंगे और कल को यहाँ पे मार्केट अच्छा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, या फिर आपने पुट वाला कोई ट्रेड लिया है और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो उस ऑप्शन में आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। आप यहाँ पे होल्ड करके ऑप्शन को, तो उसमें यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक तरीका होता है इसको होल्ड करने का, तो उस तरीके से आपने इसको होल्ड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे किस किस तरीके से आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे बाय करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया, कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहां पे आपको बता दूं, जैसे हम यहां पे किसी भी एक इंडेक्स को ओपन करेंगे, यहां पे हमें ऑप्शन मिला हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है, और भी कई तरह के इंडेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेस और भी कई तरह के, ठीक है। मोस्टली जो भी यहाँ पे बायर होते हैं, जो बायर ट्रेडर है, वो मोस्टली दो ही इंडेक्स को यूज करते हैं, एक तो बैंक निफ्टी और एक निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में आपको बता दूं दोस्तों, निफ्टी 50 में जो भी इंडिया की 50 कंपनियां होती है, वो यहाँ पे 50 कंपनियां सब निफ्टी 50 में आ जाती है, और जो भी इंडिया के बड़े 12 बैंक है वो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है 50 कंपनियां, वो निफ्टी 50 में आएगी, और जो भी यहाँ पे 12 बैंक इंडिया के जो बड़े बैंक है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें किसी भी एक ऑप्शन को होल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझनी होगी, आप यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि कैसे आप यहाँ पे ऑप्शन को होल्ड करके रख सकते हैं। हम यहाँ से ऑप्शन चैन में जाएंगे, सिर्फ आपको ऑप्शन चैन को समझना है और कुछ भी आपने नहीं समझना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी बैंक निफ्टी का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चैन का, और नीचे भी हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन चैन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जो भी ऑप्शन चैन है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, कॉल प्राइस, और यहाँ पे ये वाला पुट प्राइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉल की साइड में ट्रेड लेते हैं तो इस साइड में आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर पुट की साइड में आप ट्रेड लेते हैं तो इस साइड में आप यहाँ पे ऑप्शन को बाय करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे कॉल की साइड में किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रीमियम मिले हुए, ठीक है, और ये वाले, ठीक है। अब दोस्तों, ये वाली आपको लाइन मिली हुई है, ये होता है इन द मनी और ये होता है आउट ऑफ द मनी। पुट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, नीचे वाला इन द मनी हो जाता है और ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी, और ये हमारे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इसको हम यहाँ पे जो बीच में ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, ये वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर में, इसको हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है, जो एट ए टाइम का जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डेट वाइज आपने समझना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 24 जुलाई का, ठीक है, 24 जुलाई है आज, और यहाँ पे इसका आज एक्सपायरी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो हो चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद जो भी एक्सपायरी आएगी वो आएगी 31 जुलाई, उसके बाद 7 अगस्त, उसके बाद 14 अगस्त, ठीक है। अब दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को बाई करते हैं, यहाँ पे आपने 31 जुलाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, 31 जुलाई का जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 31 जुलाई को इसके बाद एक्सपायरी रहेगी इसकी, ये वाली एक्सपायरी आज हो चुकी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, ये वाली एक्सपायरी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली एक्सपायरी हमारी
यहाँ पे हो चुके हैं 0-0, जो भी आउट ऑफ द मनी में थे जो ऑप्शन वो 0 हो चुके हैं, और इन द मनी में है जो भी यहाँ पे जो टाइम वैल्यू थी वो खत्म हो गई, जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो बच गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो एक्सपायरी आएगी हमारी ये वाली आएगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमें यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, आज तो ये एक्सपायरी हो गई 24 जुलाई, आज यहाँ पे ये फिनिश हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट डे स्टार्टिंग से ओपन होगा और यहाँ पे 31 तारीख आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 1 वीक का एक्सपायरी रहता है। ठीक है, 1 वीक के लिए इसको हम होल्ड कर सकते हैं। कैसे, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला 31 जुलाई है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आज हमने यहाँ पे बाय किया 24 जुलाई को, 24 जुलाई को ये एक्सपायरी हो गया। हम यहाँ पे 25 जुलाई को अगर किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 25 जुलाई को इसको, जैसे हम नेक्स्ट डे मतलब हम 25 जुलाई को इसको बाय करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये कितना है 31 जुलाई, तो यहाँ पे 25 से 31, ठीक है, जो हमारी 25 से 31 आएगी, 25 to 31। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 25 से 31 मतलब 6 दिन है। ठीक है, 6 दिन तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक इसकी एक्सपायरी आएगी तब तक इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इसमें कंडीशंस होती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट होती है, जितने भी ये प्रीमियम होंगे, और जो ये इसके नजदीक आते जाएंगे, जैसे आज 25 तारीख है, फिर 26 आएगी तो 27 आएगी, तो ये जो भी हमारे प्रीमियम है ये कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कम होते चले जाएंगे क्योंकि ये एक्सपायरी वाला जो डे है इसके नजदीक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे 25 तारीख को किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं और यहाँ पे आज इसमें आपको लॉस दिखा रहा है, ठीक है, आपने इसको होल्ड करना है, आप चाहते हैं कि मैं इसको होल्ड करूं, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब वहीं का वहीं आप इसको छोड़ सकते हैं। जब मार्केट क्लोज होगा तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा या फिर थोड़ा बहुत आपका लॉस होगा वो आपको वहां पे दिखा देगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे लॉस ही हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे लॉस दिखा देगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को बाय किया हुआ है 1000 रुपए लगा के और इसमें आपको 200 रुपए का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये 2 रुपए का लॉस दिखा रहा है, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जा रहा है मार्केट, अब दोस्तों यहाँ पे आपको 200 रुपए का इसमें लॉस हो चुका है, लेकिन जैसे यहाँ पे कल को मार्केट ओपन होगी, अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका जो भी ये प्रॉफिट मतलब जो भी आपका ये लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे लॉस था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा, और जैसे आपका लॉस यहाँ पे प्रॉफिट में बदल जाएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पे मार्केट किसी भी तरह का ओपन होता है और मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देता है ऊपर की साइड, मतलब अप ट्रेंड रहता है मार्केट में, तो आपका जो भी यहाँ पे लॉस था वो रिकवर हो जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने बाय इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाय करने का भी इसका एक तरीका है, अगर आप उस तरीके से इसको बाय करेंगे तो भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ पे इस एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना चाहते हैं तो इस तक इसको होल्ड कर सकते हैं। जितने भी आप एक्सपायरी दूर रखेंगे, मतलब जो भी आप डेट सिलेक्ट करेंगे उसी एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपने इस ऑप्शन को बाय करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 31 जुलाई को इसका एक्सपायरी है, हमें इसको ऑप्शन को बाय करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे 40,000 वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे हमें ये प्रीमियम मिलता है और इस प्रीमियम पे हमारा कितना रहेगा, इसकी वैल्यू 11,371 कुछ पैसे इसकी वैल्यू रहेगी, तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो बाई करेंगे, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये चीज सिर्फ आपने ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी का, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डिलीवरी और ये इंटरडे, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डिलीवरी में बाई करना है, आपने इंटरडे में इसको बाई नहीं करना है। ठीक है, इंटरडे का मतलब आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंटरडे का मतलब होता है एक ही दिन में अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को बाय करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक ऑप्शन को आज बाय किया तो आज ही वो सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको सेल नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, तो इंटरडे का मतलब होता है एक ही दिन में हम यहाँ पे
किसी भी शेयर को, किसी भी ऑप्शन को बाय सेल करते हैं, ठीक है, इंट्राडे का मतलब एक ही दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए आपने अगर इसको होल्ड करना है या फिर आपने कोई शेयर भी होल्ड करना है उसको डिलीवरी में ही बाय करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी डालने के बाद इसको बाय कर लेना है और जितना भी आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, अगर एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इसमें एक कंडीशन रहती है, अगर एक्सपायरी तक इसका यहाँ पे जो भी प्राइस है आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका 316 है तो इसका प्राइस यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जीरो हो चुका है। आप यहाँ पे आज की डेट में देख रहे हैं 24 की इसकी एक्सपायरी थी, अगर 31 में आप जाएंगे 31 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका जो प्राइस है 603 रुपए कुछ पैसे है, तो ये यहाँ पे इस डेट को जीरो भी हो सकता है। अगर आउट ऑफ द मनी में चले गए जीरो हो जाएगा, अगर इन द मनी में रहा तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाएगी, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अभी तक भी नहीं समझे, आप इसमें कंफ्यूज है, आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों हमारे आने वाले इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतने मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।